चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एचएसआरपी को लेकर परिवहन विभाग से बड़ी खबर। सीएम ने भेजा परिवहन विभाग को अपना जवाब। विभाग की आपत्तियों का जवाब देने के लिए समय मांगा। परिवहन विभाग से मांगा एक सप्ताह का समय। एक सप्ताह में दिया जाएगा परिवहन विभाग को विस्तृत जवाब। डिप्टी सीएम के निर्देशों के बाद भी विभाग ने अब तक बंद नहीं करवाया सीएम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जबकि 7 दिन पहले डिप्टी सीएम ने सीएम पोर्टल पर एचएसआरपी बुकिंग बंद करने के निर्देश भी दिए थे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी खबर है परिवहन विभाग से। सीएम ने भेजा है परिवहन विभाग को जवाब और आपत्तियों का जवाब देने के लिए भी समय मांगा है। क्या जानकारी इस पर आपके पास? देखिए, बड़ी खबर है 29 अगस्त को जो डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने एक नोटशीट लिखी एसीएस श्रेया हुआ को और उन्होंने ये लिखा कि अभी जो एचएसआरपी की बुकिंग प्रक्रिया है उसको लेकर उनके पास कई तरह की शिकायत आई है कि अवैध रूप से वसूली की जा रही है, तय समय पर नंबर प्लेट नहीं लग रही, जो सीएम के जरिए बुकिंग हो रही है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा था श्रेया गुहा को कि जो एचएसआरपी की बुकिंग अभी सीएम पोर्टल के जरिए हो रही है इसको तत्काल बंद किया जाए, इस बुकिंग को बंद किया जाए, विभागीय पोर्टल तैयार किया जाए और उस विभागीय पोर्टल से एचएसआरपी की बुकिंग हो। ये भी उन्होंने लिखा कि अगले 5 दिनों में 29 तारीख को उनकी नोटशीट थी उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जैसी, उन्होंने लिखा कि अगले 5 दिनों में अधिक से अधिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जाए, उसके बाद जितने भी आवेदकों की एचएसआरपी पेंडिंग है उनके पैसे सीएम को रिफंड करने के लिए निर्देश दिए जाए। ये लिखा 29 तारीख को डिप्टी सीएम ने जी। इसके बाद परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम की नोटशीट का हवाला देते हुए उन बिंदुओं को लेते हुए सीएम को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप 2 सितंबर तक जवाब दीजिए कि आपका जो पोर्टल है उसको क्यों नहीं बंद कर दिया जाए, इतनी सारी गड़बड़ी आप कर रहे हैं। तो 2 तारीख तक जवाब मांगा था, जवाब 3 दिन लेट आया है सीएम का। कल देर रात बता रहे हैं कि जवाब मिला है परिवहन विभाग को सीएम का और उसमें भी सीएम ने ये कहा है क्योंकि सीएम को भी अलग अलग डीलरों से अलग अलग जिलों में बात करनी पड़ेगी, सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसके लिए 1 सप्ताह का समय सीएम ने मांगा है कि 1 सप्ताह में हम अपना पूरा जवाब आपको देंगे कि आपकी जो आपत्तियां हैं, आपकी जो शिकायतें हैं उनके बारे में हमारा क्या पक्ष है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों के बाद भी आज 7 दिन पूरे हो गए जो सीएम के जरिए सीएम पोर्टल के जरिए जो रजिस्ट्रेशन है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का वो बंद नहीं हुआ, जबकि डिप्टी सीएम ने जब लिख दिया तो उसके बाद तुरंत चाहे वो एसीएस श्रेया गुहा फैसला लेती, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीष अरोड़ा फैसला लेती, फैसला ये लेना चाहिए था कि तत्काल पहले बंद किया जाता उसके बाद सीएम से जवाब मांगा जाता, लेकिन जवाब मांगने की आड़ में या जवाब मांगने की मजबूरी में 1 सप्ताह निकल गया। अभी तक डिप्टी सीएम के निर्देशों की आदेशों की पालना परिवहन विभाग ने नहीं की है और अभी भी सीएम के जरिए एचएसआरपी बुकिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है प्रदेश में। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।